हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 12 का 7 चैप्टर जो है टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। तो हमारा इसमें मेन पहले बात आती है कि व्हाट इज़ टर्शरी एक्टिविटीज़। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और ये जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है ये प्रोडक्शन और एक्सचेंज, जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है इसमें प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों होते हैं। प्रोडक्शन होता है प्रोविजन ऑफ सर्विस दैट आर कंज्यूम्ड, और एक्सचेंज होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में मेनली एक्सचेंज होता है फाइनल गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह। जो ये टर्शरी एक्टिविटीज़ है ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को। तो अब ये हमारा हो गया टर्शरी एक्टिविटीज़ होती क्या है। अब हम नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़, कि टर्शरी एक्टिविटीज़ की टाइप्स कितने होते हैं। तो हमें इस डायग्राम में दिख जाएगा कि टर्शरी एक्टिविटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा ट्रांसपोर्ट, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा सर्विस। ट्रेड एंड कॉमर्स में हमारा मेनली आता है कि सेलिंग एंड बाइंग, ये सब हमारा था ट्रेड एंड कॉमर्स में, कि होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। ट्रांसपोर्ट में हमारा था जैसे रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर, एयरवेज। तो हम जो ट्रांसपोर्ट वाला चीज़ है ये इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा अब सीधा मेन चीज़ आती है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेली कम्युनिकेशन, ऑडियो एंड विजुअल। और सर्विसेज़ में हमारा मेनली आता है फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल स्टेट एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो चलो अब हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो ट्रेड एंड कॉमर्स ये होता है इनिशियली सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड, मतलब सामान को ख़रीदना और उसे बेचना, यही कहलाता है ट्रेड। ये इंक्लूड करता है रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड, मतलब जो ये ट्रेड है। तो इसमें दो और ट्रेड आते हैं इसके अंडर में, तो वो होता है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आया है कि वो ट्रेडिंग सेंटर क्या होता है। तो जो ऐसी टाउन और सिटी होती है जहाँ पर सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कहते हैं ट्रेडिंग सेंटर। तो अब जो ये ट्रेडिंग सेंटर होते हैं टू टाइप्स होते हैं, रूरल एंड अर्बन। तो होता है रूरल मार्केटिंग सेक्टर सेंटर जो होता है वो रूरल एरियाज़ के पास फंक्शन करता है, और ये लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर होता है। देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ दोज गुड्स विच आर फ्रीक्वेंटली इन डिमांड इन रूरल एरियाज। तो जो ये रूरल मार्केटिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर ऐसे गुड्स मिलते हैं जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंटली डिमांड में होते हैं। तो जो ये रूरल मार्केटिंग सेंटर होते हैं ये इसमें पीरियोडिक मार्केट भी होती है। पीरियोडिक मार्केट होती है जैसे मतलब हफ्ते में जैसे मार्केट लगती है वो। तो ये मार्केट मोस्टली अवेलेबल इन रूरल एरियाज, जो रेगुलर पीरियोडिक मार्केट होती है ज़्यादातर रूरल एरिया में हमें देखने को मिलती है, और ये रेगुलर नहीं होती है जैसे टेम्पोरल इंटरवल्स में होती है। जैसे मान लो मंडे मार्केट, तो ये खाली मंडे को लगेगी हर हफ्ते और बाकी दिन नहीं लगती। बनारस में नेक्स्ट आता है अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर हैव मोर वाइड स्पेशलाइज अर्बन सर्विस। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर में अर्बन सर्विस मतलब बहुत स्पेशलाइज अर्बन सर्विस होती है। इसमें हमें ऑर्डिनरी गुड्स और ब्रांडेड मटेरियल मिल जाते हैं। जैसे अर्बन मार्केटिंग सेंटर एक तरह से हो गया मॉल में हमें ऑर्डिनरी गुड्स भी मिलेंगे बिग बाज़ार में, और हमें ब्रांडेड मटेरियल भी मिलेंगे हर एक कंपनी के अलग के जो शॉप्स है उसमें जाकर। तो इसको हम दीज आर ऑल्सो नोन एज लेबर, हाउसिंग, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड अदर सर्विसेज लाइक एजुकेशनल सेंटर, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट एंड वेटरनरी सर्विसेज एक्सेट्रा। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर में हमें ये सब सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स टू टाइप का होता है, रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड ये होता है दीज आर द बिजनेस एक्टिविटी दिस कंटेन विद द सेल्स ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। रिटेल ट्रेडिंग एक बिजनेस एक्टिविटी है जो गुड को सीधा कंज्यूमर को देती है, तो वो कहलाते हैं रिटेल ट्रेड। और इसमें ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो फिक्स स्टोर पे होता है, मतलब ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडिंग है वो फिक्स स्टोर पे होती है, स्ट्रीट पेडलिंग पे होती है, हैंड कार्ट होता है, डोर टू डोर सर्विस होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एक्सेट्रा, ये रिटेल ट्रेडिंग के पार्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें होलसेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड में आता है जैसे कि इट इंक्लूड बल्क बिजनेस थ्रू डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल टू रिटेल स्टोर। और होलसेल
रिटेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल, जो जो होलसेल ट्रेडिंग है इसमें हम इकट्ठा सामान खरीद लेते हैं इंडस्ट्रीज से और हम उसको रिटेल जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनको दे देते हैं ताकि वो लोगों तक पहुंचा सके। तो होलसेल ट्रेड में यही होता है कि हम एक साथ बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लें, मतलब इंडस्ट्रीज से ले लें और उसको जाकर छोटी छोटी दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि वो लोगों को दे सके, तो होता है होलसेल ट्रेड। तो हमारे इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव, तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव होते हैं, दीज वर द फर्स्ट लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग, रिटेलिंग में ये फर्स्ट लार्ज स्केल इनोवेशन है। दूसरा है डिपार्टमेंटल स्टोर, इट डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स इन डिफरेंट स्टोर, ये इट डेलीगेट ये लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है गुड्स को परचेज करने के लिए डिफरेंट स्टोर में। तीसरा टर्म है चेन स्टोर्स, तो या ये जो है दीज आर एबल टू परचेज गुड्स ऑफन गोइंग सो फार एज डायरेक्ट द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर टू देयर स्पेशलाइजेशन, तो इसमें यही होता है कि ये एबल होते हैं गुड को परचेज करने में और ये ना कि ये दूर पे जाए, ये खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर ले अपने हिसाब से, तो होता है चेन स्टोर। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस। तो जो ट्रांसपोर्ट है ये हमें तीन तरह से मेजर होता है, पहला किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब कि जो एक्चुअल लेंथ कितनी है रूट की उसको हम किलोमीटर में देखते हैं। दूसरा आता है टाइम डिस्टेंस की, मतलब हमें उस जगह मतलब एक डिस्टेंस से कितना टाइम लगा, तो उसको हम कहते हैं टाइम डिस्टेंस कि हमें उतना ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। तीसरा होता है कॉस्ट डिस्टेंस कि हमें उस जगह जाने में कितना कॉस्ट लगा, कि एक जगह से दूसरी जगह में जाने में कितना पैसे लगे, खर्च हुए, तो उसको कहते हैं हम कॉस्ट डिस्टेंस। तो अब इसमें दूसरा आता है कि नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तभी डेवलप्ड होगा डिफरेंट प्लेसेस में जब हम डिफरेंट नोड्स और लिंक्स को जानेंगे, तभी हम नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नोड मतलब होता है कि एक मीटिंग पॉइंट है, दो या दो से ज़्यादा रूट्स की जो मीटिंग पॉइंट होती है ये दो से नोड्स कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिंक होता है कि एवरी रोड दैट जॉइंस टू रोड्स आर कॉल्ड लिंक्स। तो जो जितनी भी रोड है वो दो रूट्स को ज्वाइन करेंगी तो उन्हें कहेंगे हम लिंक। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। तो इसका पहला है डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है पहला कि इट इन्फ्लुएंस बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटेड, ये इन्फ्लुएंस करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन का। अगर हमारा ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो फिर लार्ज साइज ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी होगा। दूसरा होता है रूट्स, ये डिपेंड होता है रूट्स डिपेंड होते हैं लोकेशन ऑफ सिटीज़ विलेजेस इंडस्ट्रियल सेंटर मार्केट्स एंड रॉ मटेरियल। अब हमारा इसमें दूसरा आता है कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर पाएँ, ये होता है कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेज फैक्ट्स एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन जो सर्विस है वो मेनली इन्वॉल्व करता है ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मतलब जो हम बोल रहे हैं या जो हम एक दूसरे को मैसेज पहुँचाना चाहते हैं या जो कुछ फैक्ट्स हैं या जो हमारे आइडियाज़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन मेनली टू टाइप से होता है, पहला टेलीफोन से होता है, दूसरा सैटेलाइट से होता है। तो कम्युनिकेशन के मेनली टू पार्ट से, पहला टेलीफोन और दूसरा सैटेलाइट। तो इसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन, द यूज़ ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज़ लिंक टू द डेवलप्ड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो टेली कम्युनिकेशन है ये डेवलपमेंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और इट इज़ अ रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द स्पीड टू विच द मैसेज आर सेंट। जो टेली कम्युनिकेशन होता है इसमें मैसेज बहुत ज़्यादा जल्दी सेंड होता है और इसने टाइम को रिड्यूस कर दिया, जैसे कभी हमें मैसेज देने में वीक्स लग जाते थे पर अब इसने टाइम को रिड्यूस कर दिया और हम विद इन मिनट्स कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं और ये हमारा पॉसिबल हो सका है थ्रू टेलीफोन। तो हम फ़ोन की वजह से एक मैसेज एक सेकेंड में पहुँचा सकते हैं। तो
अब हमारा इसमें दूसरा टर्म आता है रेडियो एंड टेलीविजन ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज़ पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल टू वास्ट टर्म्ड टू ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड एंड हेंस दे वर टर्म्ड एज मास मीडिया। रेडियो और टेलीविजन हमें न्यूज़ पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाया, जिसे हम मास मीडिया कहते हैं। तो दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनिंग। ये जो है रेडियो और टेलीविज़न, ये हमारे लिए काफ़ी हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। न्यूज़पेपर्स आर एबल टू कवर इवेंट्स इन ऑल कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर जो है ये हमारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको छाप कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अर्थ की फ्रॉम स्पेस। जो इंटरनेट है वो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम में, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आज बहुत कुछ डेवलप्ड हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट, अब हमारा आता है सर्विस। तो सर्विस में है कि सर्विस अकर एट डिफरेंट लेवल, मैनी सर्विस हैव बीन रेगुलेटेड एंड सम ऑफ देम अकॉर्डिंग टू नीड। जो सर्विस है वो डिफरेंट लेवल्स की होती है, कुछ रेगुलेटेड होती है और कुछ अपने आप बन जाती है अकॉर्डिंग टू नीड्स। जैसे हुआ इट इंक्लूड टीचर्स, लॉयर, फिजिशियन, कंस्ट्रक्शन जैसे हाईवे, रोड, बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन, एनर्जी सप्लाई एक्सेट्रा। तो ये सब जो काम हो गए तो ये रेगुलेटेड है। और जैसे पर्सनल सर्विस जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, हाउसकीपर, कुक्स, गार्डनर, तो ये सब हो गया हमारे नीड्स के हिसाब से। जब हमें इनकी नीड्स पड़ी तो हमने इनकी सर्विस बना दी। तो ये हो गया सर्विस अकॉर्डिंग टू नीड्स। हमारा नेक्स्ट आता है पीपल एंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज़। तो इसमें हमारा मेनली आता है, मेनली बहुत बड़ा एग्जांपल है वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म इज़ अ ट्रैवल फॉर पर्पस फॉर रिक्रिएशन रेदर देन द बिज़नेस। टूरिज़्म होता है कि हम अपने रिक्रिएशन, अपने शौक़ पूरे कर सकें, ना कि बिज़नेस के पर्पस से हम ट्रैवल करते हैं। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी है जो 40% ऑफ टोटल जीडीपी कंटेन करती है टूरिज़्म। तो जो इसके फैक्टर्स हैं टूरिज़्म को जो अफेक्ट करते हैं वो है डिमांड और ट्रांसपोर्ट। तो जो डिमांड फॉर हॉलीडेज़ की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है बहुत जल्दी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसलिए। और दूसरा ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की जो इम्प्रूवमेंट होती जा रही है तो जिससे कि लेवल ऑफ टूरिज़्म इंक्रीज़ होता जा रहा है। और प्रेजेंट डे में अगर हम देखें तो ट्रैवल बाय कार, ट्रेन, एयर बिकम सो ईजी। सो इसलिए इसके जो मेन टू फैक्टर्स हैं टूरिज़्म के वो हैं डिमांड और ट्रांसपोर्ट। अब हमारा दूसरा आता है टूरिस्ट अट्रैक्शन। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, कोई जगह टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती है। पहला क्लाइमेट, दूसरा लैंडस्केप, तीसरा कल्चर एंड इकोनॉमी, चौथा आर्ट एंड हिस्ट्री। तो जो क्लाइमेट है, ज़्यादातर लोग जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं उन्हें वार्म एरियाज़ पसंद होता है, तो वो मतलब सनी वेदर और या तो बीच हॉलीडे में आते हैं। और जो कुछ लोग समर एरियाज़ मतलब में रहते हैं तो उन्हें विंटर का बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि जो लोग समर एरियाज़ में रहते हैं जैसे राजस्थान वगैरह हुआ या यूपी वगैरह हुआ, तो वो ज़्यादातर लोग विंटर ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ पर स्नोफॉल होते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे। दूसरा है लैंडस्केप, जो कुछ लोग अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट में अपना हॉलीडे बिताना पसंद करते हैं, जैसे कि जहाँ पर माउंटेन हो, लेक हो, सी कोस्ट हो, तो वहाँ लोग अपना जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा है कल्चरल इकोनॉमी, तो जो कुछ जो जगह हैं वो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं उनके डिज़ायर फॉर एक्सपीरियंस एथनिक एंड लोकल कस्टम। वो टूरिज़्म को इसलिए अट्रैक्ट करती हैं कि एथनिक एंड लोकल कस्टम की वजह से, मतलब किसी भी एरिया का लोकल कस्टम जो होता है, लोकल जो चीज़ें वो मानते हैं या एथनिक जो उनके रिलीजन वगैरह होता है तो उनसे रिलेटेड उन्हें टूरिज़्म अट्रैक्ट करता है। चौथा हमारा था हिस्ट्री एंड आर्ट, मतलब ये भी एक मेन फैक्टर है टूरिज़्म के अट्रैक्शन के लिए। हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ अ स्टेट हैव पोटेंशियल टू अट्रैक्ट पीपल विजिट एंशियंट टाउन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट, जैसे कि वो
अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, तो वहाँ भी ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो एंशियंट टाउन्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट है। जैसे ताजमहल ही हुआ, ताजमहल भी एंशियंट वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ भी मतलब शाहजहाँ ने बहुत पहले टाइम पर बनवाया था, तो फिर वहाँ भी इसलिए टूरिज़म अट्रैक्ट होता है उसकी आर्ट की वजह से। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो ज़्यादातर टूरिज़म होता है वो, तो जो ये पीडीएफ है ये थोड़ा पुराने साल की है, तो इसमें ये जो एम्पावर्ड वर्कर्स है, तो ये टॉपिक ने इसकी जगह नया टॉपिक आया है, वो है मेडिकल सर्विस फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। तो आजकल मेडिकल टूरिज़म भी बहुत बड़ी मतलब टूरिज़म हो गई है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरनेशनल टूरिज़म से कनेक्ट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं मेडिकल टूरिज़म। तो इट टेंड्स इटसेल्फ टूवर्ड्स व्हाट कॉमन से मेडिकल टूरिज़म, जब मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरनेशनल ट्रैवल से कंबाइन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मेडिकल टूरिज़म। तो इंडिया एक ऐसी लीडिंग कंट्री है जहाँ पर मेडिकल टूरिज़म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंडिया में जो है वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लोकेटेड है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे कि एम्स हुआ, सफदरजंग हुआ। इसका दूसरा ये भी मेन फैक्टर है कि मेडिकल सर्विस लाइक MRI, अल्ट्रासाउंड, ये हमारे यहाँ चीपर है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। और इसका एक मेन ये भी वो है फैक्टर कि जो इंडिया है वो फेमस है नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे इसमें एलोपैथिक वगैरह चीज़ें भी आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, कि मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे योगा वगैरह हुआ तो इसके लिए भी नेचुरल ट्रीटमेंट होता है किसी भी बीमारी का। तो हमारा एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है बुक में कि अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम USA विजिटेड टू इंडिया फॉर देयर ट्रीटमेंट, मतलब 55,000 पेशेंट्स USA से इंडिया विजिट किए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। तो जो क्वार्टरनरी सेक्टर है अलॉन्ग विद टर्शियरी सेक्टर वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च, हाई प्रोफाइल जॉब्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन भी, मतलब जो ये क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ है कि नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी है जहाँ पर हमें नॉलेज गेन हो और जहाँ हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे रिसर्च है इसमें हम नॉलेज गेन करते हैं, साइंटिस्ट हुए अलग अलग चीज़ें जैसे वैक्सीन्स बनाते रहते हैं, डॉक्टर हुए साइंटिस्ट अलग अलग निकालते हैं, डॉक्टर्स अलग अलग वैक्सीन्स बनाते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब्स हो गई, इंफॉर्मेशन बेस्ड स्किल हो गई। तो और ये इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। हमारा नेक्स्ट आता है क्यूनरी सेक्टर। तो क्यूनरी सेक्टर भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर जो परफॉर्म करते हैं क्यूनरी एक्टिविटीज़ को, मतलब जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर हो गए जैसे पॉलिटिशियन वगैरह ये सब होगा, और पॉलिसी मेकर जैसे जो वो सिविल सर्वेंट्स वगैरह हो गए, तो ये क्यूनरी सेक्टर को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो ये नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ से डिफरेंट है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री हो गई जहाँ पर हमें नॉलेज लगानी पड़ती है, हमें नॉलेज मिलती है, और जो ये क्यूनरी एक्टिविटीज़ हो गई इसमें हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग होती है और पॉलिसी मेकिंग होती है, और ये ऐसी सर्विसेज हैं जो क्रिएशन, रीअरेंजमेंट और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टेंस में फोकस करते हैं, और ये सेक्टर गोल्डन कॉलर जॉब भी कहलाता है। इट इंक्लूड सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसर्न्स। तो इसमें जो ये जॉब्स आती हैं वो है सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक होता है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग मतलब होता है जब कोई एजेंसी, बाहर की एजेंसी किसी और कंट्री के लोगों को काम दे, वो भी काम को अच्छा बनाने के लिए और उसका कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, तो उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग मेनली टू टाइप्स की होती है, पहला होता है KPO, दूसरा होता है BPO। KPO होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और BPO है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो यही होता है, और इसमें है KPO में होता है कि जो ये नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग होता है, और ये इंक्लूड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ई लर्निंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन एंड बैंकिंग सेक्टर।
KPO में ये सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और BPO है हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं. इट इज़ इंफॉर्मेशन ड्राइवन नॉलेज आउटसोर्सिंग. तो अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग. ये क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, अवेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड लेबर, और इट इंक्रीज द इनकम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री. मतलब जिस कंट्री में हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उस कंट्री की इनकम को राइज करता है. और इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं, फाइनेंशियल लॉस ऑफ मेन कंट्री ऑफ आउटसोर्सिंग. मतलब जो कंट्री आउटसोर्सिंग करवा रही है किसी और कंट्री में, तो उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, और जो कंट्री करवा रही है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री को दे रही है. तो साइड से बात है, जिस कंट्री में हो रहा है उस कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इसमें, और जिस जो कंट्री करवा रही है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. तो अब इसमें हमारा एक मेन आता है ऑफशोरिंग. इसमें मेन है ऑफशोरिंग होता है व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ऑफ वर्क टू ओवरसीज लोकेशन इज़ नोन एज ऑफशोरिंग. जब हमारा जो आउटसोर्सिंग है वो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफरिंग ऑफ वर्क ओवरसीज लोकेशन, तो उसको हम कहते हैं ऑफशोरिंग. अब हमारा नेक्स्ट आता है, एक टर्म आता है, व्हाट इज़ डिजिटल डिवाइड. तो डिजिटल डिवाइड होता है कि द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर नोन एज डिजिटल डिवाइड. मतलब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी का डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में, उसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड. जैसे डेवलप्ड कंट्रीज मान लो हो गई यूएसए ब्रिटेन, तो ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई है. और जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया पाकिस्तान ये ऐसी कंट्री हो गई, तो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो कम डेवलप्ड है. अब हमारा चैप्टर ये यहीं ख़त्म हो गया. अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टर्शरी एक्टिविटीज़. इनमें से कौन सी टर्शरी एक्टिविटीज़ है. पहला फार्मिंग, दूसरा वीविंग, तीसरा ट्रेडिंग, चौथा हंटिंग. तो इसका आंसर है ट्रेडिंग. नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़. इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ नहीं है. तो इसका आंसर है बी, कैचिंग फिशेज. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इनमें ऐसी कौन सी सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है. तो वो है सर्विस सेक्टर, डी. Jobs that involve high degree and high level of innovation are known as, ये होती हैं जो jobs होती हैं जो high level degrees और level of innovation जिसमें होता है वो होती है primary activities. इसका आंसर है डी, primary activities. Next, which activity is related to quaternary sector. तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी टीचिंग. सिक्स्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है. तो इसका आंसर है सी, BPOs हैव बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू KPO. ये क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि जो KPO है वो अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि BPO हैव बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू KPO. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स. एक्सप्लेन रिटेल ट्रेडिंग सर्विस. जो रिटेल ट्रेडिंग सर्विस है ये बिजनेस एक्टिविटी जो कंसर्न है सेल्स ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. मतलब जो गुड्स है जिसको हम सेल्स करते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर को, तो वो होता है रिटेल ट्रेडिंग. और मोस्टली दिस टाइप ऑफ सेंटर जो है वो मेनली फिक्स स्टोर पे हमें देखने को मिलती है. जैसे फिक्स स्टोर हुए, स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड कार्ट, डोर टू डोर सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एक्सेट्रा. इन सब जगह हमें रिटेल ट्रेडिंग देखने को मिलती है. अब इसका सेकंड है, डिस्क्राइब क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़. क्वार्टरनरी सेक्टर जो है इन्वॉल्व कर देता है प्रोडक्शन, कलेक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. और ये इन्वॉल्व, इट इंक्लूड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़. ये नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रिसर्च, हाई प्रोफाइल जॉब्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन बेस्ड स्किल्स. और नेक्स्ट है कि क्वार्टरनरी सेक्टर अलॉन्ग विद टर्शरी आजकल के टाइम में, प्रेजेंट डेज में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. थर्ड, नेम द फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन वर्ल्ड. इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया आर द फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज जो मेडिकल टूरिज्म में फास्ट इमर्ज हो रही है वर्ल्ड में. व्हाट इज डिजिटल डिवाइड.
डिजिटल डिवाइड होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। तो ये जो वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करता है कंट्रीज़ के बीच में, और जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो जनरल हैव फ्लो ऑफ फॉरवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव स्लो बिहाइंड। तो जो डेवलप कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो स्लो बिहाइंड है। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट मोर देन 150 वर्ड। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका तो जो हमारी सर्विस सेक्टर है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारी जीडीपी बढ़ती है बाय द हाईएस्ट शेयर। फर्स्ट पॉइंट है जीडीपी बाय द हाईएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन सर्विस सेक्टर लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज इट इंक्रीजेज जीडीपी। ये कंट्री के जीडीपी को इंक्रीज करती है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी पीपल गॉट अपॉर्चुनिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज सेवल पीपल आर एम्प्लॉयड इन वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब है जैसे टीचर लेबर डॉक्टर्स यू है। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तीसरा रिलेशन विद अदर कंट्रीज तो इससे हमारा ट्रेड इंक्रीज होता है ट्रांसपोर्ट होता है और गुड्स और सर्विस का इधर से उधर एक्सचेंज होता है एक से दूसरी कंट्रीज में जो कि हमारे रिलेशन को इम्प्रूव करती है बाकी कंट्रीज के साथ। कनेक्टिविटी तो जो ये ग्रोथ है ग्रोथ ऑफ सर्विस लीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एजुकेशन एंड इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। और इसका पांचवा है सर्विस सर्विस जैसे ट्रांसपोर्ट रेलवे एयरवेज वाटरवेज इन्हेंस करता है हमारे नेटवर्क सर्विस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जो ये है ये दीज हेल्प टू ट्रांसफ़र बेटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ट्रांसपोर्ट है ये हेल्पफुल है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं ट्रेड के लिए जो कि डिफरेंट विद अदर ट्रेडर्स मतलब बाकी ट्रेडर्स से कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी हमारा ट्रेड अच्छे से हो पाएगा। और ये हमारे बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं कंट्रीज़ के डिफेंस के लिए। जो ट्रांसपोर्ट है ये सर्विस है जिससे कि जो पीपल हैं और मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट जो है वो मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी मतलब बैलेंस ऑफ डिमांड ये डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करता है। और ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह के डिस्टेंस को शॉर्टन करता है मतलब कम करता है कि हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी उस जगह पहुँच जाएँ। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक पे क्लिक करिएगा। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।